प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाने के लिए 1972 में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रपोज किया था। यहाँ पर भी उन्होंने सैंडविच मॉडल की तरह ही बताया कि लिपिड बायलेयर में जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है वो अंदर की तरफ है और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ है। इस लिपिड बायलेयर के दोनों तरफ जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है उनके पोजीशन के बेसिस पर उन्होंने उसे दो टाइप्स में डिवाइड किया। पहले पेरिफेरल प्रोटीन्स, जिसे ही आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कह सकते हो, और दूसरे है इंटेग्रल प्रोटीन्स, जिसे ही इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स, जैसे कि नाम बता रहा है, ये पेरिफेरी पर अटैच्ड होते हैं, मतलब लिपिड के पोलर सरफेसेस को अटैच्ड होते हैं। और इंटेग्रल प्रोटीन्स या तो पार्शियली या फिर पूरी तरह से इस लिपिड बायलेयर को पेनिट्रेट करते हैं, तो इसे आप ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह सकते हो। तो ये भी एक इंटेग्रल प्रोटीन है और ये भी एक इंटेग्रल प्रोटीन ही है। समटाइम्स अ पोर इज फॉर्म्ड बाय इंटेग्रल प्रोटीन्स एंड सच इंटेग्रल प्रोटीन इज कॉल्ड एज टनल प्रोटीन। तो याद रखिए, ये जो प्रोटीन्स है, पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटेग्रल प्रोटीन्स, दे सर्व एज एंजाइम्स कैटलाइजिंग अ केमिकल रिएक्शन विद इन द मेम्ब्रेन एंड दे ऑल्सो सर्व एज अ पंप मूविंग थिंग्स अक्रॉस इट। तो अब लिपिड और प्रोटीन के अलावा, जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि कुछ सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, तो यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं। ऑलिगोसैकेराइड्स की ब्रांच्ड या फिर अनब्रांच्ड चेन जब किसी पेरिफेरल प्रोटीन को या फिर इंटेग्रल प्रोटीन के आउटर सरफेस को अटैच होती है तो उसे आप ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और अगर यही ऑलिगोसैकेराइड की चेन लिपिड लेयर को अटैच्ड होती है तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो सिंगर और निकोलसन के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है और इसे उन्होंने फ्लूइड मोजेक मॉडल ऐसा नाम इसलिए दिया क्योंकि नाम की तरह ही यह मॉडल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज दोनों भी पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज दोनों भी एक्सप्लेन कर पाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड प्रॉपर्टी मेंटेन करने में लिपिड मॉलिक्यूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस लिपिड बायलेयर में लिपिड मॉलिक्यूल्स कुछ अलग-अलग मूवमेंट्स भी बताते हैं, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जिसे ही आप ट्रांस बायलेयर मूवमेंट भी कह सकते हो। कभी-कभी लिपिड मॉलिक्यूल्स एक लिपिड मोनोलेयर से दूसरे लिपिड मोनोलेयर में माइग्रेट होते हैं और इसे ही फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। पर याद रखिए कि ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है ये बहुत रेयरली ऑकर होती है। इट ऑकर्स वंस अ मंथ फॉर एनी लिपिड मॉलिक्यूल। हाउएवर इन मेम्ब्रेन्स वेयर द लिपिड्स आर एक्टिवली सिंथेसाइज्ड, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पर एक्टिव लिपिड सिंथेसिस होता है, तो वहां पे ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बहुत रैपिडली होता है और वहां इस एक्टिविटी को कुछ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स भी कैटलाइज करते हैं। उन एंजाइम्स को कहते हैं फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर या फिर फ्लाइपेस। कभी कभी ये लिपिड मॉलिक्यूल्स मोनोलेयर में अपने बाजू के लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ जगह एक्सचेंज करते हैं एंड दिस रिजल्ट्स इन रैपिड लैटरल डिफ्यूजन, और ये करीब 10^7 टाइम्स अ सेकेंड हो सकता है। मोरोवर
इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स रोटेट वेरी रैपिडली अबाउट देयर लॉन्ग एक्सेस एंड देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स आर फ्लेक्सिबल. द ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्लेक्शन occurs near the center of the bilayer and the smallest occur adjacent to the polar head group. So these are the types of movements possible for phospholipid molecule in a lipid bilayer. Flip-flop movement jo ki bahut hi rarely hoti hai, lateral diffusion, rotation aur flexion जो कि सेंटर की तरफ ज्यादा होता है कंपेयर टू द एंड या फिर नियर द पोलर हेड्स. तो लिपिड मूवमेंट्स के अलावा देयर इज अ रोल ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स इन इंक्रीजिंग द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो डबल बॉन्ड्स होते हैं दे टेंड टू इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर बाय मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू पैक द चेन्स टूगेदर. इसीलिए आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स लो टेम्परेचर एरिया में मिलते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होंगी उसके अंदर आपको फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा मिलेगा. दे विल हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इन देयर मेम्ब्रेन. तो इस सेमी फ्लूइड लिपिड बायलेयर में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आइसबर्ग की तरह है एंड द मोबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन ड्यू टू द फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ द लिपिड बायलेयर इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फ्राई एंड एडिडिन एंड दिस सर्व एज एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ द लिपिड बायलेयर. दस द क्वासी फ्लूइड or the semi-fluid nature of the lipid enables the lateral movement of proteins within the overall bilayer and the ability to move within the membrane is measured as fluidity. तो इससे हमें समझ में आता है कि इस मॉडल के नाम में फ्लूइड शब्द क्यों डाला गया. अब हमें जानना है कि इसे मोज़ेक क्यों कहा जाता है या फिर इसमें मोज़ेक शब्द का मतलब क्या है. मोज़ेक का मतलब है हैविंग नो फिक्स्ड पैटर्न. तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पर प्रोटीन्स के अरेंजमेंट का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है एंड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मोज़ेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स वॉज गिवन बाय ब्रैंटन. यहां पर जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बम्प्स और डिप्रेशंस दिख रहे हैं यानी कि उबड़ खाबड़ जो दिख रहा है दे प्रूव्स द मोज़ेक अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन. तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अब आखिर में हमें जानना है कि कैसे ये मॉडल डैवसन और डैनियली के मॉडल से या फिर रॉबर्टसन के मॉडल से बेहतर है. उनके मॉडल्स में जो लिमिटेशंस थी वो यहाँ पर नहीं है. जैसे कि हम जानते हैं कि फैट सोल्यूबल सब्सटेंस इस मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास हो सकते हैं पर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस का एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था. तो यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है, हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होती है दे आर द बैरियर फॉर द वाटर या फिर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस. तो ये बैरियर आपको इस रीजन में नहीं दिखता है जहां पर इंटेग्रल प्रोटीन्स या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं. तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस भी इस पोर से या फिर इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से पास हो जाते हैं. अब दूसरा सवाल था रिगार्डिंग प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो. तो उसका भी एक्सप्लेनेशन ये मॉडल दे सकता है. जैसे कि हमने बताया कि प्रोटीन्स का जो अरेंजमेंट है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता और लिपिड्स भी इस मेम्ब्रेन में मूवमेंट बताती है. हो सकता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो या फिर लैटरल मूवमेंट हो. तो उन्हें ही आधार बनाकर हम कह सकते हैं कि जो लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो है दैट इज वेरिएबल. जैसे कि यहाँ पर चार लिपिड के मॉलिक्यूल है और दो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल है, मतलब रेशियो हो गया लिपिड और प्रोटीन का 2:1.
तो यही रेशियो आपको सब तरफ दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस रीजन में दो लिपिड के मॉलिक्यूल है और दो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, मतलब रेशियो हो गया 1:1। और हो सकता है ये रेशियो लिपिड की मूवमेंट की वजह से और चेंज भी हो जाए। सो दिस प्रूव्स दैट द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरिएबल। मोर ओवर टू एक्सप्लेन द डायनेमिक नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे कंपेयर्ड प्रोटीन्स विद द आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड। तो क्योंकि ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सभी प्रॉपर्टीज को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल कहा जाता है या फिर इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया था।